हर क्रिकेट खिलाड़ी का एक सपना होता है कि उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में खेलने का मौका मिले। इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपना जी जान लगा देता है। इस सपने के पूरा होते ही वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़ों में अपना नाम दर्ज करा लेता है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में एक ऐसा आंकड़ा भी दर्ज है जब एक खिलाड़ी ने न सिर्फ भारत की टीम की ओर से खेला बल्कि वो इंग्लैंड टीम की ओर से भी खेला। क्या है पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यही एक चीज़ है जो हमें और वीडियो बनाने में मदद करती है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के लिए खेला है। नवाब इफ्तिकार अली सैफ अली खान के दादा भी हैं। इन दोनों देशों के अलावा उन्होंने पटियाला के महाराज की टीम 11, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दक्षिण पंजाब और वुस्टर सर इंग्लैंड के लिए भी खेला है। 1946 में पटौदी ने भारत के इंग्लैंड टूर की कप्तानी भी की थी। इफ्तिकार अली खान 16 मार्च 1910 को दिल्ली के पटौदी हाउस में पैदा हुए थे। उनके पिता पटौदी के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान थे और माँ सहर बानो बेगम थी। बहुत ही छोटी उम्र में इफ्तिकार पटौदी उस समय की एक रियासत के नवाब बन गए, क्योंकि 1917 में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्हें औपचारिक रूप से 1931 में नवाब बनाया गया। इब्राहिम अली खान लाहौर के चीफ्स कॉलेज में गए और उसके बाद पढ़ने के लिए बल्ली और कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले गए। 1939 में इफ्तिकार ने साजिदा सुल्तान से शादी की, जो भोपाल के आखिरी नवाब की दूसरी पुत्री थी। इस दंपत्ति ने मंसूर अली खान पटौदी को जन्म दिया, जिन्हें आज क्रिकेट के नवाब के नाम से भी जाना जाता है। नवाब इफ्तिकार अली खान एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे जिन्होंने 6 टेस्ट मैच और 127 फर्स्ट क्लास मैच खेले। शुरुआती समय में इफ्तिकार अली खान की शिक्षा भारत में ही हुई। उनके आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग इंग्लैंड में संपन्न हुई, जहां उन्होंने 1932 से 1933 की बॉडी लाइन सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में जगह बनाई। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने सिडनी के एसेस टेस्ट में शतक जड़ा, लेकिन इसके बावजूद वे दूसरे मैच के बाद ही सीरीज से बाहर हो गए। साल 1934 तक पटौदी सिर्फ इंग्लैंड के काउंटी मैच ही खेल पाए। वुस्टर सर काउंटी के मैचों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के बाद 1934 में आखिरकार उन्होंने इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में जगह बनाई, जो इंग्लैंड की तरफ से उनकी आखिरी पारी भी थी। साल 1936 में भारत में होने वाले इंग्लैंड टूर के लिए उन्हें कप्तान चुना गया, लेकिन अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद वह भारत आ गए और भारतीय टीम की तरफ से खेलना शुरू किया। साल 1946 में तब 36 वर्षीय पटौदी को भारत के इंग्लैंड टूर का कप्तान चुना गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हो रहा था और इंग्लैंड संपूर्ण मैच खेलने को तैयार भी था। भारत ने इसमें 29 फर्स्ट मैच खेले, जिसमें उसने 11 जीते, 4 हारे और 14 में ड्रॉ मिला। पटौदी की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस इतनी शानदार नहीं थी, वो भी तब जब उन्होंने 1930 के दशक में इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला हुआ था। उन्होंने इस टूर में लगभग 1000 रन बनाए, लेकिन टेस्ट मैच में केवल 11 की औसत ही रख पाए, जिसे भारत हार गया। इसके लिए उनकी कप्तानी की खूब आलोचना भी हुई। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया और 5 जनवरी 1952 अपने पुत्र टाइगर पटौदी के जन्मदिवस पर पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने की वजह से दम तोड़ दिया। 2007 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले क्रिकेट मैच की 75वीं सालगिरह के उपरांत इफ्तिकार अली खान के नाम पर एक टेस्ट ट्रॉफी की घोषणा की, जिसका नाम पटौदी ट्रॉफी रखा गया। ये खास ट्रॉफी भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट सीरीज जीतने वाले को मिलती है। अब तक 4 बार हुए इस ट्रॉफी टेस्ट में भारत सिर्फ एक ही बार जीत दर्ज करा पाया है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप चैनल पर उपलब्ध सभी पुराने वीडियो भी देखें।